चाहे आना चाहे जांच तो होती है, उसमें कहां दिक्कत है। लेकिन एससी एसटी एक्ट में तो ये प्रावधान नहीं है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी है। आपने देखा मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, अन्य छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, सरकार वहाँ क्या बोली। इसलिए इस तरह की बात जो है ये बराबर चाहते थे ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, उनका लाया हुआ ये कानून था। सर, हमारा सर कानून। आप बेबाक बोले, बोले के लिए तो आपने लाया ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें सुधार किया। आम लोग की आप बात करते हैं, अगर आम लोग आज संशय की स्थिति में है, AK-47 चल रही है गोलियां, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके आप क्या मानेंगे कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ काम करने की आवश्यकता है। बिहार की सरकार उसके लिए लगातार प्रयत्नशील है और किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये वो सरकार नहीं है कि अपराध करके निकल जाते थे। दुर्भाग्यपूर्ण है, सुन लीजिए, अपराध करके निकल जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना हो, उसके लिए कानून भी तुरंत काम कर रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पुलिस प्रशासन को दक्षतापूर्वक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार के डिप्टी सीएम हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप लोग अपराधी जो है 15 दिन के लिए शांत हो जाइए, क्या ये सही है कि अपराधी ऐसे ऐसा मैंने नहीं सुना। क्या सुशील कुमार मोदी का आपने बात नहीं सुना? ऐसा मैंने नहीं सुना। राहुल गांधी रफेल पे सुनिए, इस देश के अंदर में थूक फेंकने वाले को चाहिए कि वो अपने माथा को देखें कि थूक कहाँ गिरेगा। आकाश है नरेंद्र भाई मोदी, गगन के रूप में गगना गगना गरम, गगन का आकार गगन के जैसा। थूक फेंकने के पहले अपने सर को देखो कि थूक कहाँ गिरेगा। यानी कि राहुल गांधी अपने सर को देखेंगे? अब जो देख रहा हो देखो जी।